जारी रोगों से लोग तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जिम्मेदार अफसरों की कार्यवाही सिर्फ कागजी मीटिंगों में सिमट कर रह गई है। जिले में 1000 से अधिक डेंगू पॉजिटिव केस हैं और निजी अस्पतालों में चारों तरफ लूट खसोट है। गरीब आदमी अपना इलाज तक नहीं करा पा रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह और नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल को तो अवैध अस्पताल क्लिनिक और पैथोलॉजी लैबों को सील करना और खोलने के नाम पर सुविधा शुल्क वसूलने का भूत सवार है। सीएमओ कार्यालय से जिले के विभिन्न थानों को अपंजीकृत अस्पताल संचालक के खिलाफ FIR करने की चिट्ठी भेजने पर जोर दिया जा रहा है। FIR क्यों नहीं हो रही, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पिछले एक महीने में नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव बेलवाल ने बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल क्लिनिक और पैथोलॉजी लैबों पर बड़ी कार्यवाही की, लेकिन फिर उन्हीं को बिना रजिस्ट्रेशन के सुविधा शुल्क लेकर खुलवा देना स्वास्थ्य विभाग को जांच के कटघरे में खड़ा कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग की इस करनी और कथनी को लेकर आज शिवसेना एकनाथ शिंदे इकाई की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये मुद्दा उठाया गया है। शिवसेना मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा का कहना है कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी और सीएमओ दफ्तर में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी डॉक्टर संजीव बेलवाल पर है, जिनको आजकल अपंजीकृत अस्पताल और लैबों के संचालकों से सुविधा शुल्क वसूलने से फुर्सत नहीं है। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि जिले में महानगर और देहात में संचारी रोगों का असर अधिक देखने को मिल रहा है, उससे कैसे बचाया जा सके, इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के जोरदार नारे लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। जो हमने ज्ञापन दिया है, उसका उद्देश्य है जी, आज शिवसैनिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि महानगर में डेंगू तेजी के साथ फैल रहा है। पूरे जनपद में हजारों डेंगू के मरीज हैं और सैकड़ों मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुआ है। नगर निगम का विभाग पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुआ है। एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, फॉगिंग नहीं कराई जा रही है। कारण क्या है इसका? कारण कहाँ व्यस्त है स्वास्थ्य विभाग? सब ये जैसे कि आप देख रहे होंगे जो अवैध बड़े बड़े अवैध अस्पताल चल रहे हैं, इनसे सेटिंग गेटिंग करने में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, जबकि जो डेंगू की बीमारी हो रही है, मलेरिया हो रही है, इस ओर कतई भी ध्यान नहीं है। हाँ, तो ये तो आप पत्रकार लोग हैं, सब देख ही रहे हो, आज सील होता है, कल को खोल देते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा घोटाला ये हो रहा है कि ये लोग जो भी अस्पताल सील करते हैं उस पर FIR दर्ज नहीं कराते हैं, जबकि नियमानुसार जो अस्पताल अवैध चल रहा है आपने सील कर दिया, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। कहाँ करा दी, दिखाए ना, हमने RTI डाल रखी है, अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ आप पत्रकार लोग हमसे बेहतर जानते हैं, कम से कम 10,000 अवैध बड़े बड़े झोला छाप अस्पताल चल रहे हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, और 6-7 हज़ार से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड केंद्र और पैथोलॉजी लैब चल रही है, जिससे कि डेंगू का बढ़ावा ये लोग भी दे रहे हैं, गलत रिपोर्ट लगाते हैं। हाँ, कमाई करना, डेंगू पर नहीं।